नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के छोटे से वीडियो में। और आज का छोटा सा जो वीडियो है वो अनोखी परीक्षा कहानी से संकलित प्रश्नों का है और इसके लेखक विजयदान देथा जी हैं। तो अनोखी परीक्षा कहानी है वो अपने आप में बहुत सारगर्भित और दार्शनिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाली कहानी है। तो सबसे पहले देखते हैं, आत्म तत्व या परमात्मा सब तरफ व्याप्त है, वह सब कुछ देखता सुनता है। भारतीय दर्शन के शाश्वत सिद्धांत को किस कहानी में प्रस्तुत किया गया है? तो अनोखी परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है, आत्म तत्व या परमात्मा सब तरफ व्याप्त है, वह सब कुछ देखता सुनता है। भारतीय दर्शन के शाश्वत सिद्धांत को किस कहानी में प्रस्तुत किया गया है? अनोखी परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है। तो पहला प्रश्न ये था, अनोखी परीक्षा कहानी के लेखक का नाम बताइए। विजयदान देथा जी की ये कहानी है, अनोखी परीक्षा कहानी है वो विजयदान देथा जी की कहानी है। अनोखी परीक्षा कहानी में छोटा भाई किसको ढूंढने में असफल रहा? एकांत को ढूंढने में असफल रहा, यानी वो एकांत नहीं पा सका। चलो अगला है, इच्छा होने पर उगते सूरज के सामने 7 बार जल कौन चढ़ाता था? ओगड़ महात्मा। ओगड़ महात्मा है, उसकी इच्छा होती तो 7 बार सूरज के सामने आकर के जल चढ़ा देता था। कभी डींग हाँकते हुए कहता कि उससे बड़ा संत न तो जन्मा और नहीं जन्मेगा, यह कथन किसका है या किसके बारे में है? ओगड़ महात्मा के। तो कभी कभी डींग हाँकते हुए कहता कि उससे बड़ा संत न तो जन्मा और न जन्मेगा, यह कथन किसके बारे में है? ओगड़ महात्मा के बारे में। आसानी से अपना चेला कौन नहीं बनाता था? ओगड़ महात्मा आसानी से अपना चेला नहीं बनाता था। गुरु बनना सरल है पर शिष्य बनाना कठिन तपस्या है, यह कथन किसका है? गुरु बनना सरल है पर शिष्य बनाना क्या है? बहुत कठिन तपस्या है, ये ओगड़ महात्मा का कथन है। ओगड़ महात्मा का कथन है ये। कभी कभी अनजाने रायगीर को हाथ से इशारा करके बुलाकर भी जबरदस्ती शिष्य कौन बना देता? ओगड़ महात्मा। तो कभी तो रिक्वेस्ट करने पर भी शिष्य नहीं बनाता, हाथ जोड़ने पर भी शिष्य नहीं बनाता, पांव पकड़ने पर भी शिष्य नहीं बनाता, और कभी कभी मन में आता तो अनजाने रागीर को हाथ से इशारा करके बुलाता और ज़बरदस्ती उसको क्या बना देता? शिष्य बना देता। ऐसा कार्य कौन करता? ओगड़ महात्मा। एक बार महात्मा से भी बेसी पागल व्यक्ति ने चेला बनने का संकल्प किया तो महात्मा जी ने क्या किया? महात्मा ने क्या किया? उसे अपना गुरु बना लिया। तो एक बार महात्मा से भी बेसी पागल व्यक्ति ने चेला बनने का संकल्प किया तो महात्मा ने क्या किया? अब उसे अपना गुरु बना लिया। एक बार एक छोटी सी डानी के 2 नवयुवक किसके पास चेला बनने के लिए आए? ओगड़ महात्मा के पास चेला बनने के लिए आए छोटी सी डानी के 2 युवक। चलिए नेक्स्ट, अब तो शिष्य बने बिना 7 जन्म तक पांव नहीं छोड़ेंगे, यह हट किसने किया? यह हट किसने किया? तो यह हट है वो दोनों सगे भाइयों ने किया कि अब तो शिष्य बने बिना 7 जन्म तक पांव नहीं छोड़ेंगे, यह हट दोनों सगे भाइयों ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी जो भी आज्ञा होगी उसकी अनुपालना में हमारे जीवन की सार्थकता है, यह कथन किसका है? आपकी जो भी आज्ञा होगी उसकी अनुपालना में हमारे जीवन की सार्थकता है, ये दोनों सगे भाइयों का कथन है। दोनों सगे भाइयों का कथन है कि आपकी जो भी आज्ञा होगी उसकी अनुपालना में हमारे जीवन की सार्थकता है। महात्मा जी ने दोनों सगे भाइयों को क्या आदेश दिया? अपने गाँव जाकर 2 बड़े बड़े बकरे लावे, बकरे और 2 तीखीधार वाली तलवारें लावें, कि 2 तो बकरे लावें और 2 तीखीधार वाली तलवारें लावें। नेक्स्ट है, नहीं मिलेगी 100 बार माथा रगड़ने पर भी नहीं मिलेगी। तो दोनों भाई हैं वो इजाज़त चाहते हैं, लेकिन महात्मा जी कहते हैं कि इजाज़त नहीं मिलेगी, 100 बार माथा रगड़ने पर भी नहीं मिलेगी, शिष्य आपको बनना है तो बनिए, ये कथन है ओगड़ महात्मा जी का, ओगड़ महात्मा का कथन है। ओगड़ महात्मा ने दोनों भाइयों को क्या आदेश दिया? ऐसी गुप्त ठोर पर जाकर बकरों का सिर काटें कि कोई देखने सुनने वाला न हो। ऐसी गुप्त ठोर पर जाकर बकरों का सिर काटें कि कोई देखने सुनने वाला न हो, ये आदेश दिया। और ये जो कथन है वो सबसे मोस्ट कथन है, समूची कुदरत ही मेरी गुरु है, कोई ज्ञान ग्रहण करने वाला चाहिए, कोई मनुष्य किसी मनुष्य का गुरु क्यों कर बन सकता है? तो वास्तव में देखा जाए तो सारी कुदरत ही मनुष्य की क्या है? गुरु है। और मनुष्य का मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता है कि
हमें जो भी सिखाती है, जो भी शिक्षा देती है वो कुदरत शिक्षा देती है। तो समूची कुदरत प्रकृति ही मेरी गुरु है, कोई ज्ञान ग्रहण करने वाला चाहिए। कोई मनुष्य किसी मनुष्य का गुरु क्यों कर बन सकता है, ये कथन है ओगड़ महात्मा का। ओगड़ महात्मा का ये कथन है और इस कथन में बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है, बहुत बड़ी सच्चाई बयान की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और ये थोड़ा बड़ा है। अरे यहाँ तो सूरज अपने प्रखर किरणों से देख रहा है, अरे यहाँ तो सूरज अपने प्रखर किरणों से देख रहा है, हवा भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है, पेड़ सुन रहे हैं, बालू रेत का चमकता कण कण देख रहा है, वह स्वयं भी देख रहा है, बकरा भी देख रहा है। ये विचार किसके मन में आ रहे थे, तो एक बार इसको पुनः पढ़ लेते हैं। अरे यहाँ तो सूरज अपने प्रखर किरणों से देख रहा है, हवा भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है, पेड़ देख सुन रहे हैं, बालू रेत का चमकता कण कण देख रहा है, वह स्वयं भी देख रहा है, बकरा भी देख रहा है। ये विचार किसके मन में आ रहे थे, ये विचार छोटे भाई के मन में आ रहे थे। उनके अनुसार प्रकृति के कण कण में क्या है, शक्ति है और सब चीज़ें उसको क्या कर रही थी, देख रही थी, एकांत उसको कहीं नहीं मिला। छोटा भाई कितने दिनों तक भटकता रहा, 3 रात और 3 दिन तक क्या करता रहा, भटकता रहा। नेक्स्ट है, आखिर में छोटे भाई ने क्या सोचा, वह किसी जीव को नहीं मार सकता। आखिर में यही सोचा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एकांत है ही नहीं, इसलिए वह किसी जीव को नहीं मार सकता। माफ़ करिए मुझे इस शर्त पर चेला बनने की कतई इच्छा नहीं है, माफ़ करिए मुझे इस शर्त पर चेला बनने की कतई इच्छा नहीं है। यह कथन किसका है, छोटे भाई का है। छोटे भाई का यह कथन है कि माफ़ कीजिए मुझे इस शर्त पर चेला नहीं बनना है। और लास्ट प्रश्न, ओगड़ महात्मा ने छोटे भाई के चरण स्पर्श करते हुए क्या कहा, आज मेरी अंतिम साध पूरी हुई, जिस गुरु की तलाश थी वह मुझे आज अजाने ही मिल गया, यानी अनजाने में ही क्या है मिल गया। आज मेरी अंतिम साध पूरी हुई, साध यानी इच्छा पूरी हुई, जिस गुरु की तलाश थी वह मुझे आज अजाने ही मिल गया है। तो दोस्तों ये था 21 प्रश्न का बहुत ही छोटा सा वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए।